चलो मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूँ, इस दुनिया को चलाने वाले का नाम बताता हूँ, इस दुनिया की सारे प्रश्नों का हल बताता हूँ, सभी कर्मों के अनुसार परिणाम देने वाले का एक छोटा सा झलक दिखाता हूँ। चलो मैं तुम्हें इंसान का असली मतलब बताता हूँ। हवा, पानी, धरती, अग्नि और आकाश, इन सब तत्वों से बने हुए को मैं इंसान कहलाता हूँ। ईश्वर का मैं एक छोटा सा अंश हूँ, ईश्वर का एक छोटा सा अंश हूँ, इस पूरे विश्व में अनंत हूँ, जो कि आत्मा के नाम से कहलाता हूँ। कर्म को अपना धर्म मानकर काम करने वाला वो ईश्वर का एक छोटा सा स्रोत कहलाता हूँ। सभी इंद्रियों को अपने वश में करकर, सभी इंद्रियों को अपने वश में करके, अपने मन बुद्धि को नियंत्रण में करके, इस दुनिया और इन सभी लोगों से मैं परे कहलाता हूँ। ये पूरा संसार एक छोटा सा माया जाल है, ये पूरा संसार एक छोटा सा माया जाल है, जो भरा है पाप, क्रोध, मोह और माया से। जो इंसान इन सभी माया जाल से निकल पाया है, अपने कर्मों और जीवन की माया को समझ पाया है, वही तो असली में अर्जुन कहलाया है, वरना बाकी सब कुछ तो माया है। साधारण इंसान इसी माया जाल में फंसकर जन्म से लेके मरण तक अपना पूरा जीवन बिताया है, और जो भी अपने क्रोध, मोह, ईर्ष्या और आलस्य को छोड़ा है, उसे खुद ईश्वर ने अपने आप में जोड़ा है। अपने आप को ईश्वर का अंश मानकर, अपने कर्म को अपना धर्म मानकर, उस कर्म का कर्ता ईश्वर को मानकर, अपने जीवन की डोर ईश्वर के हाथों में थमाकर, अपने आप को सभी माया जाल से निकालकर, अपना कर्म वस्तु करता जा, ईश्वर को अपना गुरु मानकर उसके धर्म और कर्म के राह पर तू चलता जा, बस तू चलता जा।